हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एजाज पटेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मराठवाड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज जो है तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो बताने वाला हूँ और बहुत ही ये वीडियो हमारा जो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो इस टॉपिक पे बना रहे हैं हम आज कि फ्रिज, अब हर किसी के घर में फ्रिज है, अब फ्रिज को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और दूसरी समस्या है हमारी कि फ्रिज लेना कौन सा चाहिए, सिंगल डोर फ्रिज लेना चाहिए, डबल डोर फ्रिज लेना चाहिए या साइड बाय साइड फ्रिज लेना चाहिए। तीसरी समस्या है हमारी कि फ्रिज हम जब घर पर लाते हैं तो उसे यूज़ कैसे करना चाहिए। चौथी समस्या है हमारी कि जो फ्रिज है वो आप घर से तो माइंड सेट बना के चलते हैं, हमें ये फ्रिज लेना है, हमें इतने बजट में लेना है, हमारा बजट इतना ही है। लेकिन आप जब फ्रिज खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं, शॉप पर जाने के बाद आप फ्रिज जब जाते हैं शोरूम पर, तो जब आपके आपका माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि जो सेल्समैन है वो आपको फ्रिज की वेराइटीज बताता है, अलग अलग वेराइटी बताता है और कहता है कि ये सिंगल डोर फ्रिज है, ये अच्छी क्वालिटी है, ये डबल डोर फ्रिज है, ये साइड बाई साइड है। तो और इसमें अभी तो और भी नए नए मॉडल आ गए हैं, नॉन इन्वर्टर फ्रिज आ गए हैं, इन्वर्टर फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर तो ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, और अभी जो आ गए तो इन्वर्टर फ्रिज आ गए हैं, इन्वर्टर एसी आ गए। अब कस्टमर को क्या लगता है कि इन्वर्टर फ्रिज बोले तो कि ये इन्वर्टर पर चलने वाला है? नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में आज मैं आपको फ़र्क समझाने वाला हूँ और आपका समस्या भी दूर करने वाला हूँ कि कौन सा फ्रिज आपने लेना चाहिए। ठीक है यार, पांचवी बात, आखिरी लास्ट, ये थ्री स्टार फाइव स्टार क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जब दुकान पे जाते हैं तो थ्री स्टार फ्रिज, फाइव स्टार फ्रिज, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कभी भी फ्रिज देखना है तो मॉडल वाइज नंबर देख के लेना है, आप इसमें फंसेंगे नहीं। अगर अगरचे दुकानदार आपको ज़्यादा रेट बताता है तो आप इसका मॉडल नेट पर सर्च करते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कि इसका स्टार रेटिंग कहाँ पे आता है, इसका मॉडल कहाँ पे आता है, फ्रिज को यूज़ कैसे करना चाहिए। हाँ, दुकान के लिए फ्रिज कौन सा इस्तेमाल में आना चाहिए, घर के लिए कौन सा फ्रिज लेना चाहिए, ये आपको मैं आज वीडियो देता हूँ, तो आपको बताऊँगा होटल के लिए कौन सा फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, घर के लिए और शॉप के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि घर के लिए फ्रिज कौन सा इस्तेमाल करना है। देखो गाइस, अलग अलग क्वालिटी के फ्रिज मार्केट में अवेलेबल है, यानी अलग अलग ब्रांड के। ये अभी हमारे पास वायरपूल का ब्रांड है, वायरपूल का फ्रिज है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। इसके साथ साथ और आपके हिसाब से कंपनी कोई चॉइस कर सकते हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अदरवाइज कंपनी से बहुत अच्छी है, वायरपूल अच्छा है, एलजी अच्छा है, गोदरेज अच्छा है, सैमसंग फ्रिज अच्छा है, ये सब फ्रिज अच्छे हैं। ठीक है, इस किसी में से कोई भी फ्रिज ले सकते हैं। जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फ्रिज लेना कौन सा चाहिए, आप कभी कभी आप थ्री स्टार और फाइव स्टार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्री स्टार फाइव स्टार फ्रिज क्या है, तो आइए हम आपको थ्री स्टार फाइव स्टार वन स्टार टू स्टार के बारे में बताते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास थ्री स्टार फ्रिज है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रिकसिटी कंजक्शन बिल जो है तो उसका 195 है यूनिट पर ईयर्स, यानी ये एक साल में 195 यूनिट लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे, ये लेबल है 1 जनवरी 2017, यहाँ पर हमको जो है तो मॉडल नंबर देखना है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है। फिर यहाँ पे अप्लायंसेस, ये रेफ्रिजरेटर है हमारा, ये ब्रांड, ये यहाँ पर हमारा वायरपूल है। इसके बाद हम मॉडल ईयर्स देखेंगे, उसके बाद टाइप्स देखेंगे, डायरेक्ट कूल है, फिर ग्रोस है, 185 लीटर का हमारा फ्रिज है। तो हम यहाँ पर इसका देखेंगे क्या 1 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ये स्टार से क्या होता है गाइस, रेटिंग बढ़ता है, रेटिंग। अगरचे आपका 5 स्टार है तो यहाँ पर जो 195 है तो आपका ये यूनिट पर ईयर आपका कम हो जाएगा, अगरचे कम स्टार का है तो आपका ये बढ़ जाएगा। जैसे मेरा 3 स्टार है तो यहाँ पर 195 है, अगर से 5 स्टार रहेगा तो हमारा 1 ईयर्स का यूनिट कम हो जाएगा, ये 1 ईयर्स का यूनिट कम हो जाएगा। और जितना स्टार आपका कम रहेगा, 2 स्टार 1 स्टार, तो उतना आपका यूनिट पर यूनिट। ठीक है, हमारा आपको स्टार रेटिंग समझ में आ गया होगा गाइस, नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं।
इसके बाद है जो आप शोरूम पर जाते हैं तो आपको सेल्समैन से शोरूम जो है तो वारंटी देता है, जो कंपनी आपको वारंटी देती है। जैसा कि आप मेरे फ्रिज पे लिखा है 10 ईयर्स वारंटी, ये आपको दिख रहा हूँ 10 ईयर्स वारंटी, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 ईयर्स वारंटी पूरे फ्रिज की है या सिर्फ अंदर एक कोई पार्ट्स की है, तो ये आपको जानना जरूरी है। 10 ईयर्स वारंटी जो आती है तो फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर रहता है, जिसे अपन कंप्रेसर कहते हैं, कहीं हैंडी कहते हैं, कोई मोटर कहता है, जो पीछे ब्लैक कलर की हैंडी आती है कंप्रेसर, उस पार्ट्स की 10 ईयर्स की वारंटी कंपनी देती है। कस्टमर को किसी को समझ में नहीं आता है, कहते हैं हमारा फ्रिज 10 साल वारंटी में है। नहीं गाइस, फ्रिज का अदर पार्ट्स की वारंटी 1 ईयर्स आती है। जैसे कि कोई डोर स्विच हो गया, बल्ब हो गया या थर्मास्टेट हो गया, ये चीज़ को अगर से जाते हैं आप कस्टमर केयर पे टोल फ्री नंबर पे, हर फ्रिज पे टोल फ्री नंबर रहता है, ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर पे जो है तो आप कॉल कर सकते हैं। इसे 1 ईयर्स की पार्ट्स की वारंटी आती है, 10 ईयर्स की कंप्रेसर की वारंटी आती है। ये वायर पूल है, इसका टोल फ्री नंबर ये है, ठीक है। और वारंटी के बारे में समझ में आ गया होगा गाइस, वारंटी किस पार्ट्स की रहती है आपको समझ में आ गया होंगे। तो वारंटी 10 ईयर्स की सिर्फ कंप्रेसर के पार्ट्स की रहती है, जो कंप्रेसर इसका मेन पार्ट्स है और थोड़ा कॉस्टली भी आता है। पूरे फ्रिज के अंदर जो पार्ट्स में सबसे ज्यादा कॉस्टली कंप्रेसर आता है, और बाकी अदरवाइज पार्ट्स की 1 ईयर्स की गारंटी आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में फ्रिज इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसे यूज कैसे करते हैं। ठीक, आप मैं फ्रिज की आपको जो है तो पार्ट्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि फ्रिज के अंदर पार्ट्स ये हमारा होम अप्लायंसेस का घर का फ्रिज है। ये फ्रिज जो है तो इस साइड में आप पानी के वगैरह बॉटल रख सकते हैं, लेकिन इसमें बॉटल 1 लीटर की बॉटल रखना चाहिए, कम से कम इसमें 1 लीटर, आधा लीटर, 250 ml की बॉटल रखना चाहिए। आप इसमें 2 या 2.5 लीटर की बॉटल रखते हैं तो इससे क्या होगा, लोड आ जाएंगे, ये हैवी हो जाएंगे। जब फ्रिज में आप जो है तो ज्यादा गरम चीज ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर आप ज्यादा गरम चीज मत रखे, और इसे ना कांच के बर्तन में भी मत रखे, इसे आप प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक का कोई आपके पास बर्तन होगा उसमें रख सकते हैं, एल्यूमिनियम के इसमें रख सकते हैं। ये हमारा फ्रीजर बॉक्स है, फ्रीजर बॉक्स में आप जो भी चीज रखेंगे तो कांच की चीज में मत रखे। और ज्यादा गर्म चीज, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कोई गर्म चीज रहती है, आप घर पे कोई चीज रेसिपी बनाते हैं, गर्म रहती है आपको जल्दी से खाने के लिए यूज करने के लिए, आपको ठंडा करने को जरूरत रहती है, तो आप जो है तो गरम 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 फ्रीजर में रख देते हैं, तो इससे आपके फ्रिज को नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों, या जैसे ही आप गरम इसमें कोई चीज रखेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, कंप्रेसर के ऊपर क्या आएगा, लोड आ जाएगा, जो उसका टेम्परेचर सेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस इसमें ज्यादा से ज्यादा गर्म चीज ना रखे, इसकी सावधानी आप बरते, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं ये जो बटन है ये हमारा थर्मास्टेट का बटन है। थर्मास्टेट आपको समर हो गया, बारिश हो गया, ठंड हो गई या धूप काला हो गया, कौन से टाइम में कितने पे सेटिंग करना चाहिए, कंफ्यूजन रहता है कस्टमर के लिए, बहुत ही मुश्किल सवाल हो जाता है। तो अगर चे ठंड काले के दिन है यानी सर्दी के दिन है तो आप इसे 0 से 1 पे लो पे ही रखें, अगर चे बारिश के दिन है तो आप उसे समर पे एकदम मीडियम पे रख सकते हैं, यानी मैं आपको घुमा के बताता हूँ, ये 3 या 4 ये मीडियम पे आप रख सकते हैं। और टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप काले का दिन है तो आप जो है तो इसे हाई कर सकते हैं, ज़्यादा कूलिंग के लिए ये हाई कर सकते हैं। थर्मास्टेट बटन है, अगर चे आपके फ्रीजर बॉक्स के अंदर ज़्यादा आइस जमा हो जाती है तो आप जो है तो फ्रिज को जो इसमें एक डिफ्रॉस्ट बटन आता है, डिफ्रॉस्ट ये बटन को आप प्रेस करने से, जो मैं प्रेस कर रहा हूँ ये बटन को आप प्रेस करने से जो अंदर का सिस्टम कट ऑफ हो जाएगा, यानी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जिसके कारण आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके कारण क्या होगा, जो अंदर का जो आइस रहता है ये डिफ्रॉस्ट करने से ये आइस ऑटोमेटिक मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी,
और जैसी मेल्ट हो जाएंगी टेम्परेचर वापिस से सेंस करेंगे और कंप्रेसर कट ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको आगे बताते हैं, ये फ्रीजर बॉक्स में आप जैसे कि मैंने आपको बता दिया डिफ्रॉस्ट बटन करने से आइस मेल्ट हो जाता है, बाद में ऑटोमेटिक ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, फ्रिज ऑन हो जाता है। तो ये आइस मेल्ट हो जाएगा डिफ्रॉस्ट करने के बाद, आपको जो है तो ऊपर से पिन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे इसमें बहुत ज़्यादा फुल आइस बन जाता है तो हो सकता है कि आपका जो डिफ्रॉस्ट बटन है ख़राब हो सकता है, जो अंदर थर्मास्टेट इसका नाम है, बहुत ज़्यादा आइस होने से आपका ये बटन ख़राब हो सकता है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसमें सावधानी बरतना है, जैसे कि इसमें आप बहुत ज़्यादा गाइस इसमें बर्फ आइस जमा हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आइस को मेल्ट करने के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई नोकदार चीज़, कोई स्क्रू ड्राइवर हो गया, घर में जो छुरी वगैरह रहती है या कोई नोकीली चीज़, तो आप बर्फ़ को जो है तो इस तरीके से फोड़ते हैं। ठीक है गाइस, तो जो है तो आपको कोई इसमें नोकीली चीज़ हो गया, छुरी हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ऐसा कोई चीज़ से फोड़ना नहीं है। इसमें जो लाइन रहती है गाइस, इसमें जो है लाइन रहती है, एक लाइन है, दो लाइन है, जितने भी आपको लाइन दिख रही है, इसके अंदर जो है तो रेफ्रिजरेंट रहता है, यानी गैस रहता है, गैस इस लाइन से गुजरता है और वापस से कंप्रेसर में जाता है, तो ये गैस की क्रिया चलते रहती है। आपको इसमें नोकदार चीज़ मारेंगे, कोई छुरी हो गई, चाकू हो गया, या कोई चम्मच हो गया, कोई भी ऐसे नोकदार चीज़ मारेंगे तो ये एल्यूमिनियम का आता है, ये आपके नोकदार धारदार चीज़ से जो है तो डैमेज हो सकता है। तो आप इसका बड़े सावधानी से इसे डिफ्रॉस्ट बटन दबाए, कोई नोकीली चीज़ इस्तेमाल ना करें। इसके बाद मैं आपको गाइस बताने वाला हूँ, डिफ्रॉस्ट बटन दबा के ही आपको आइस मेल्ट करना है और आपको कंटिन्यू फ्रिज चालू रखना है, आपको फ्रिज बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर कोई चीज़ मारने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्रॉस्ट बटन आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाइस आपका आइस मेल्ट हो जाएगा। ये जो फ्रीजर बॉक्स है इसमें आप आइस रख सकते हैं, इसमें आप गोश्त वगैरह मांस इसमें रख सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक इसको आप आइस बनेगा तो ये ख़राब भी नहीं होगा। इसके अंदर जैसे कि मैंने दूध रखा है, ये सेल्फ है, ये फ्रीजर बॉक्स है, ये सेल्फ, ये पूरे सेल्फ से, ये आपका सब्जी ट्रे है, यहाँ पर आप पानी वगैरह के बॉटल रख सकते हैं। अगर चे 1 लीटर की बॉटल है तो आप इसमें रखिए, और 1 लीटर से ज़्यादा बॉटल है तो आप इसमें रखिए, 1 लीटर से ज़्यादा बॉटल है 2 लीटर 2.5 लीटर तो आप ये बॉटल इसमें रखें, और 1 लीटर की बॉटल है तो आप इस फ्रिज के कपे में रखें। ठीक है, ये फ्रीजर बॉक्स है, ये आप दूध रख सकते हैं, ये क्विक चिल है, इसका नाम क्विक चिल है, ये सेल्फ से पूरे सेल्फ आप ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसे कम ज़्यादा सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये इसका फ्रिज का सेटिंग कम ज़्यादा हो सकता है सेल्स का। ठीक है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप इसमें रख सकते हैं, ऐसा आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे का जो है हमारा, तो ये सब्जी ट्रे है, इसे आप सब्जी ट्रे इसमें आप रख सकते हैं, यानी जो भी आपके पास सब्जी है, कॉलीफ्लावर है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, टमाटो है, आप इसमें जो है तो ये सब्जी ट्रे है, सब्जी आप इसमें रख सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ राइस अगर से आपको फ्रिज के अंदर रखना है तो आपको खुली नहीं रखना है, इसके ऊपर ढक्कन आता है, ढक्कन लगा के रखना है। जैसा कि हमने आपको फ्रिज के अंदर के सब बता दिए है कि फ्रीजर किधर आता है, सेल्स किधर आते हैं, फ्रूट कहाँ रखना चाहिए, आप अगर से फ्रिज में आपको फ्रूट रखना है तो फ्रिज में आप फ्रूट रखें, लेकिन उसे काट कर मत रखिए। उसमें फिर क्या होता है, आप काट के रखते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, आप वही खाते हैं तो उससे आपको बीमारी पैदा हो सकती है। ठीक है, आप मैं आपको फ्रिज की पीछे की सावधानी बताऊंगा, जो फ्रिज के जो पीछे का पार्ट आता है जो हीट करता है, यानी वो कंडेंसर का पार्ट रहता है, जो फ्रिज की कूलिंग जो अंदर की हीट खींच के जो बाहर फेंकता है उसे हम कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर क्या करता है, गैस को ठंडा करता है। ये जो पीछे की जाली है इसे हम कंडेंसर कॉइल कहा जाता है। कंडेंसर कॉइल क्या करता है, ये इसका सिस्टम ये है कि अंदर की जो हीट रहती है इसे बाहर ऑब्जर्व करती है, गैस का प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है, ये हीट होता है और इसमें गैस कंडेंसेशन होता है, यानी ये गर्म होता है, ये गर्म होता है तो आपको क्या है, इसके एयर हवा अंदर आने के लिए थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए आपके घर के दीवार के बीच में गैप होना चाहिए, ये
दीवार है आपका जो घर का वॉल रहता है, कम से कम आपका 10 इंच 12 इंच 1 फीट इतना डिस्टेंस तो आपका दीवार के बीच में फ्रिज रखना चाहिए, उतना गैप होना चाहिए। एकदम कस्टमर क्या करते हैं जिसे नहीं पता है तो वो एकदम फ्रिज को दीवार से लगा देते हैं जिसके कारण वो हीट उसी जगह पे अंदर घूमती है तो सही से गैस सर्कुलेशन नहीं होता है तो आगे ठंडक की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कंडेंसर का पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि दीवार से थोड़ा सा आगे रखते ही फ्रिज आपको रखना है। ये जो है ये ट्रे है, वाटर ट्रे, ड्रेन ट्रे जिसे कहते हैं हम, जो अंदर का चिलर ट्रे आता है दूध रखने का, उसके नीचे एक ड्रेन पाइप रहता है, वो ड्रेन पाइप इसके अंदर से आता है, कहीं बाहर से आता है तो इसके अंदर अंदर का पानी जो है तो इसमें जमा होता है। ये ड्रेन ट्रे आपको किसी को कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप घर पर इसका फ्रिज का ट्रे खोल सकते हैं। इसमें 2 स्क्रू आते हैं, इसमें पानी ज़्यादा जमने की वजह से काफ़ी दिन तक रखने की वजह से इसमें एक अलग ही स्मेल आती है तो आप इसे निकाल कर ये 2 स्क्रू खोलकर इसमें लॉक ये खोल के आप इसे वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। इसमें के अंदर का जो पानी रहता है तो कंप्रेसर क्या करता है जब चलता है तो उसके रनिंग कंप्रेसर चलते समय क्या करता है पानी को वाश में यानी उसके हीट से बाफ में बदल देता है और वो पानी ऑटोमेटिक कम कम होने लगता है। लेकिन इसका पानी कब चेंज करना है, जब आपके घर में कोई अलग स्मेल आने लगी, कोई बास आने लगी तो हो सकता है फ्रिज के अंदर का पानी सड़ गया होगा, ख़राब हो गया होगा, तब आपको ये चेंज करना है। और ये रही बात कंप्रेसर की, आप कंप्रेसर की बात जो है तो कंप्रेसर आप जब शॉप पे जाते हैं तो अभी आ गए हैं न्यू कंप्रेसर यानी इन्वर्टर कंप्रेसर। कंप्रेसर हर फ्रिज में रहता है, अब ओल्ड फ्रिज में ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज है और जो न्यू वाले मॉडल आ गए हैं वो इन्वर्टर फ्रिज है। जब आपको सेल्समैन बताता है कि हमारे पास सर ये फ्रिज है नॉन इन्वर्टर है ये इन्वर्टर है तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का मैं फ़र्क आपको आज बताने वाला हूँ कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर फ्रिज में क्या फ़र्क है। नॉन इन्वर्टर का प्राइस कम रहता है और इन्वर्टर फ्रिज का प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये किस लिए कि इसका कंप्रेसर थोड़ा चेंज होता है, यानी इन्वर्टर बोले तो ये फ्रिज इन्वर्टर पे नहीं चलता है, ये आप गलत फहमी है कस्टमर की। कस्टमर क्या सोचता है इन्वर्टर फ्रिज है तो ये लाइट जाने के बाद भी इन्वर्टर पे चलेगा, नहीं गाइस इससे वोल्टेज 220 से 240 ही लगता है, ये इन्वर्टर पे नहीं चलता है। ये जो फ्रिज है इन्वर्टर यानी लाइट कंजक्शन करता है, यानी आपका जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर क्या करता है फ्रिज का एक टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर एक टाइम पे अपने टेम्परेचर रखे, 2 पे रखे 3 पे रखे 4 पे रखे 5 पे रखे उतना टेम्परेचर आए तक क्या करता है कंप्रेसर रनिंग करता है। उतना टेम्परेचर सही आने के बाद कंप्रेसर जो है तो बंद हो जाता है, वापिस से अंदर से थोड़ा सा अंदर हीट पैदा हो गई, गर्मी पैदा हो गई, टेम्परेचर लो होगा तो वापिस से क्या करता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वापिस से स्टार्ट यानी कट इन कट आउट लेता है। उसके कारण क्या होता जो झटके से कंप्रेसर स्टार्ट लेता है तो उससे क्या होता है एम्पियर ज़्यादा लेता है, वोल्टेज करंट ज़्यादा खींचता है, उस हिसाब से उसका एम्पियर रेटिंग ज़्यादा रहता है। और जो इन्वर्टर फ्रिज रहता है, इन्वर्टर फ्रिज क्या करता है उसका कंप्रेसर ज़्यादा करके कट इन कट ऑफ नहीं लेता है, वो कंप्रेसर रनिंग करते रहता है इतना ही। उसका टेम्परेचर अगर चाहे मैच भी हो गया, जो आपने फ्रिज का टेम्परेचर रखे या फ्रिज में उसका टेम्परेचर आ भी गया तो उसका कंप्रेसर के चलने की स्पीड धीमे यानी स्लो हो जाती है, लेकिन सिस्टम वो बंद नहीं होता है। जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है वो टेम्परेचर सेंस होने के बाद बंद हो जाता है, वापस कंप्रेसर ऑफ लेता है तो वापस से वो कंप्रेसर उड़ जाता है, यानी टेम्परेचर अंदर मिलता है तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। वैसे ही इन्वर्टर फ्रिज क्या होता है कि बार बार बंद नहीं होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। गाइस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया फ्रिज की, फ्रिज के पार्ट्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह से आपको सावधानी बरतना चाहिए, और आप हमारा लास्ट पॉइंट है कि फ्रिज कौन सा लेना चाहिए। आपको तो गाइस समझ में आ गया होगा इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर फ्रिज क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है और फ्रिज कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया है। तो देखो गाइस अगर से आप, मैं तो सजेशन करूँगा कि आप सिंगल डोर का ही फ्रिज ले तो बेस्ट है, सिंगल डोर में पार्ट्स कम आते हैं और घर के लिए सिंगल डोर ही फ्रिज बेस्ट है। हाँ अगर से आपकी फैमिली ज़्यादा है या आपके पास ज़्यादा फैमिली मेम्बर है तो आप डबल डोर का फ्रिज ले सकते हैं, और भी उससे ज़्यादा आपके पास फैमिली है तो आप बड़ा भी फ्रिज ले सकते हैं,
लेकिन घर के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सिंगल डोर का फ्रिज बेस्ट है। अब डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, डबल कप्पे आते हैं, बार बार खोलते हैं तो उसमें क्या आता है, पार्ट ज्यादा आते हैं और वो फ्रिज के लाइफ जैसा थोड़ी कम हो जाती है, यानी पार्ट ज्यादा आने के कारण कोई पार्ट खराब हो सकता है। सिंगल डोर में कैसा है, फ्रिज एक बार खोले आपने बंद कर दिए, डबल डोर में ऊपर का खोले फिर नीचे का खोले तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, फ्रिज में आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। और सिंगल डोर फ्रिज इज द बेस्ट क्वालिटी, सिंगल मैं भी सिंगल डोर का ही यूज करता हूँ और आपको जो चाहे आप डबल डोर का भी यूज कर सकते हैं, साइड बाय साइड का भी यूज करते हैं। ये मेरा एक ओपिनियन है कि आप सिंगल डोर का ही फ्रिज ले। हाँ, अगरचे आपका कोई शॉप है, कोई मेडिकल शॉप है या कोल्ड ड्रिंक शॉप है तो आप जो है तो उस समय फ्रिज ले सकते हैं, इन्वर्टर फ्रिज, ये नॉन इन्वर्टर ही फ्रिज आप घर के वास्ते इस्तेमाल करें। अगरचे नॉन इन्वर्टर फ्रिज आपको लेना है तो आपका कोई शॉप है जिसमें आपका कोई कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं या कोई मेडिसिन रखते हैं, आपको बार 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 खोलने की जरूरत गिरती है तो आप इन्वर्टर ही फ्रिज ले। और अगर चाहे घर के वास्ते लेना है तो आप नॉन इन्वर्टर फ्रिज ले। नॉन इन्वर्टर फ्रिज में आप क्या है, घर के अंदर आपको ज्यादा फ्रिज खोलना नहीं पड़ता है, आप कोई चीज की जरूरत है तो आप फ्रिज खोलते हैं और वो चीज लेने के बाद आप फ्रिज बंद कर देते हैं तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन ही रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर आप अगर शॉप के लिए लिए तो बेस्ट है, खुला इन्वर्टर कंप्रेसर आप बार बार खोलते हैं उसका कंप्रेसर कट इन कट ऑफ नहीं होता है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। हाँ, अगर से गाइस आपका कोई होटल है या कोई आपका वाइन शॉप है या कोई कोल्ड ड्रिंक शॉप है तो आप साइड बाय साइड का बड़ा फ्रिज ले सकते हैं, या आपका कोई होटल में सब्जी के लिए आपको साइड बाय साइड फ्रिज ले सकते हैं, उसमें आप ज्यादा सब्जी स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, नए नए वीडियो हमारे साथ जुड़े रहे। जिस किसी भी फ्रेंड ने हमारा चैनल लाइक नहीं करे, सब्सक्राइब नहीं करे तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे, हमें सपोर्ट करे, हम ऐसे ही न्यू वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।